हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी आप बिग मिनट वेंडर ऐप में मोबाइल एंड एक्सेसरी स्टोर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिग मिनट वेंडर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। मैं यहां ओपन कर लेती हूं बिग मिनट वेंडर ऐप। आपको यहां दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, एक है क्रिएट योर अकाउंट, एक है क्लिक हियर टू लॉग इन। अगर आप बिग मिनट में नए हैं, आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आप क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहां क्लिक हियर टू लॉग इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा, बस इतना ही आप लॉग इन में। अगर आपको क्रिएट अकाउंट नए से क्रिएट करना है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल एंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे ही नंबर डाल दिया, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये ओटीपी सेंड हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी आपको इधर एंटर करना है। ये मैंने एंटर कर दिया। फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये हो गया आपका अकाउंट रजिस्टर। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं, स्टोर लिस्टिंग, व्हीकल लिस्टिंग, सर्विस लिस्टिंग। इसमें आपको स्टोर लिस्टिंग में जाना है। आप यहाँ अपने शॉप की नेम डालें। ये मैंने नेम डाल दिया। फिर आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये मैंने मोबाइल एंड एक्सेसरीज डाल दिया। आपको अपनी लोकेशन ऐड करनी है। लोकेशन ऐड करते टाइम आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। ये मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, ये लोकेशन सेव हो गई। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। ये मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया। आपको अपनी सिटी एंटर करनी है। ये मैंने सिटी एंटर कर दी। फिर आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है। फिर आपको परमानेंट आपका फुल एड्रेस एंटर करना है। आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड इसमें डाल सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड इसमें अपलोड करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका ऑप्शन आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड नहीं है, तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। फिर आपको अपना ट्रेड लाइसेंस एंटर करना है, अपलोड करना है। फिर FSAAI लाइसेंस भी आपको इधर डालना है। ये हो गया अपलोड। फिर आपको स्टोर की एक फोटो भी डालनी है। ये मैंने चूज कर लिया फोटो। देन मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगी। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड। एक्सप्लोर ऑर्डर पेज पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, टोटल प्रोडक्ट भी आपको सब यहाँ पर दिखाई देगा। फिर देन आपको मेंबरशिप में जीरो दिखाई दे रहा है रेड सर्कल में। इसमें आपको अगर सब्सक्रिप्शन आप कर चुके होंगे, तो आप इसमें आपको सब्सक्रिप्शन के डेट दिखाई देंगे। फिर उसके ऊपर आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपना हर तरह की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का डाउट है, तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर आपको ब्रांड के बगल में एक थ्री हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रही है।
मैं क्लिक कर लूंगी। फिर आपको यहाँ ग्रीन कलर में एक लेबल दिखाई दे रहा है एक्टिव का। फ्रेंड्स, आप अगर दुकान ओपन रखना चाहते हैं अपनी स्टोर, तो आप एक्टिव कर सकते हैं, या आप किसी वजह से छुट्टी पर हैं तो आप इनएक्टिव भी एक्टिव भी कर सकते हैं। फिर आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन पूछा जाएगा, एक है डिलीवरी ऑप्शन, एक है पिकअप ऑप्शन। अगर आप होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो डिलीवरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से पिकअप ऑप्शन नहीं है डिलीवरी नहीं देना चाहते हैं तो आप पिकअप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ आप अपनी स्टोर कितने दूर तक दिखाना चाहते हैं, कितने किलोमीटर तक, कि आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ एंटर कर दिया 5 किलोमीटर। देन आपको डिलीवरी चार्जेस यहाँ डालनी है, आप पर किलोमीटर कितना डिलीवरी चार्जेस लेंगे, या आपको यहाँ डिलीवरी अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको यहाँ डिलीवरी में आपको ये डालना है चार्जेस पर किलोमीटर। यहाँ मैंने 20 डाल दिया। फिर आपको फ्री डिलीवरी है वो, कितने डिलीवरी पर आप फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं ये आपको इधर डालना है, कितने प्रोडक्ट पर आप फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया। फिर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये हो गई प्रोफाइल अपडेट। फिर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ ऐड प्रोडक्ट में आप अपने प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ मोबाइल ऐड कर रही हूँ, तो मैं मोबाइल डाल रही हूँ। देन आपको वो कितनी जीबी स्टोरेज है ये भी यहाँ ब्रैकेट में डालना है। ये मैंने डाल दिया। फिर आपको सब कैटेगरी ऐड करना है। मैं यहाँ मोबाइल फोन ऐड कर रही हूँ। फिर आपको ओरिजिनल प्राइस इसका मोबाइल का डालना है। आप अपने ग्राहक को कितने में बेचना चाहते हैं ये आपको टोटल रेट इधर डालना है। फिर यूनिट में आपको 1 डालना है पर पीस के हिसाब से। फिर आपके पास स्टॉक में कितना बचा है ये आपको इधर एंटर करना है। फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया। फिर आपको प्रोडक्ट का फोटो ऐड करना है। ये मैंने प्रोडक्ट का फोटो ऐड कर दिया। फिर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ये हो गया प्रोडक्ट एडेड। ओके, आप यहाँ अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट तो डिलीट भी कर सकते हैं, या एडिट भी कर सकते हैं आप। इधर आपको सेम इधर एडिट ऑप्शन में भी मिल जाएगा, आप अपना प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन आपको इधर ऑर्डर्स में हर तरह के ऑर्डर दिखाई देंगे। ऑल ऑर्डर पर क्लिक करने से पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। देन आप यहाँ रेटिंग एंड रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। आपके स्टोर के बारे में लोगों की क्या राय है ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन आपको करना है आपके स्टोर का। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं वैसे ही आपको स्टोर का भी सब्सक्रिप्शन करना है।
मैं यहाँ 30 डे का पैक ले लेती हूँ। पे नाउ, पे नाउ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं यहाँ वॉलेट पर क्लिक करती हूँ। पे, आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ एंटर करना है। फिर वो वेरीफाई कर देना है। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ जाएगा। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के डेज दिखाई देंगे, कितने दिन बचा है। इस तरह आप अपना स्टोर रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना स्टोर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर आप हम ये देखेंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। मैं एक प्रोडक्ट ऐड करके, एक प्रोडक्ट बुक करके आपको कैसे एक्सेप्ट करना है ये दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें कस्टमर ऐप में जाना है। ये मैंने ओपन कर लिया विद कस्टमर ऐप। यहाँ आपको बहुत से स्टोर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें मोबाइल एंड एक्सेसरीज में ओपन कर लूंगी। आपको यहाँ हमारी स्टोर दिखाई दे रही है, समाइजा जो मैंने डाला था नेम। व्यू स्टोर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर देना है। ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर लिया। ओके, आपको कार्ड के जगह 1 दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर लिया। फिर चेकआउट दूंगी। मैंने होम एड्रेस पहले से ही सेव किया हुआ है, तो होम एड्रेस पर क्लिक करूंगी। कंटिन्यू, देन ऑर्डर सक्सेसफुल। ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वेंडर ऐप में जाके एक्सेप्ट करने का दिखाऊंगी। ये ऑर्डर्स में मैंने क्लिक कर लिया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कंफर्म ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको कंफर्म ऑर्डर्स में दिखाई दे रहा है। अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीटेड आप चूज कर सकते हैं। आप यहाँ लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्राहक की। और अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करना चाहते हैं तो कॉल नो भी कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीटेड पर मैं क्लिक कर दूंगी। ये डिलीवर ऑर्डर में सेव हो जाएगा। ये हो गया सेव डिलीवर ऑर्डर में। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।